नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CITS एंड ITA स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने बेंच वाइज के बारे में पढ़ा था। बेंच वाइज क्या होता है, बेंच वाइज के कितने पार्ट्स होते हैं और बेंच वाइज कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि बेंच वाइज जो होते हैं वाइज के प्रकार में आते हैं, और बेंच वाइज और लेग वाइज के बारे में हमने पढ़ाई किया था। और कुछ वाइसेस हैं जिनका यूज हम अपने फिटर शॉप प्रैक्टिकल में या कोई भी कारीगर जो भी फिटिंग से रिलेटेड, फिटर से रिलेटेड काम करते हैं, तो अन्य सारे और भी वाइसेस यूज करते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं कि विभिन्न प्रकार के वाइस। तो वाइस में हमने पढ़ा बेंच वाइस और लेग वाइस की पढ़ाई हम कर चुके हैं। अब इसमें आगे चलते हैं। तो हमने बताया था वाइस के प्रकार में, बेंच वाइस भी जो होता है दोस्तों, कि बेंच वाइस के भी कुछ प्रकार होते हैं, हम आपको बताते हैं बेंच वाइस के प्रकार। बेंच वाइस के प्रकार की बात करें तो बेंच वाइस के प्रकार में एक स्वीवेबल बेंच वाइस होता है, एक कॉम्बिनेशन बेंच वाइस भी होता है, और एक होता है क्विक रिलीज बेंच वाइस। बेंच वाइस के प्रकार की बात करें तो एक होता है स्वीवेबल बेंच वाइस, एक होता है कॉम्बिनेशन बेंच वाइस, और एक होता है क्विक रिलीज बेंच वाइस। फिर लेग वाइस के बारे में भी हमने पढ़ा था। फिर बात करते हैं मशीन वाइस। तो मशीन वाइस भी वैसे वाइस जिनका प्रयोग मशीन के ऊपर रख करके और मशीन के साथ प्रयोग किया जाता है, ऐसे वाइस को उनको मशीन वाइस कहते हैं। तो मशीन वाइस के भी कुछ प्रकार होते हैं। मशीन वाइस के प्रकार की बात करें तो मशीन वाइस की बात करें तो पहला होता है इसके प्रकार में प्लेन मशीन वाइस, दूसरा होता है स्वीवेबल मशीन वाइस, और एक होता है यूनिवर्सल मशीन वाइस। जो यूनिवर्सल होता है उसको हम कहीं भी कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, और जो स्वीवेबल होता है वो रोटेट करता है 360 के एंगल में, कितने भी डिग्री के एंगल में उसको रोटेट सर्किल मोशन में घुमा सकते हैं, वो होता है स्वीवेबल। और यूनिवर्सल की बात करें तो इसको भी किसी भी एंगल पे कैसे भी इसको आगे पीछे लेफ्ट राइट कैसे भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम आगे होता है पिन वाइस। तो पिन वाइस होता है, पाइप वाइस होता है, हैंड वाइस होता है, इन सब वाइस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पिन वाइस जो होता है वह महीन कामों के लिए यूज होता है। इसमें पिन जैसे पार्ट्स बनाए जाते हैं, नाम से ही पता चलता है पिन वाइस। यह पेन की तरह होता है, जैसे हम ये दिखा रहे हैं, जैसे ये आपका मार्कर हो गया, देखिए ये मार्कर है। तो पिन वाइस में क्या होता है कि यहां पर जो होता है नर्लिंग किया हुआ रहता है, और यहां से इसको घुमाते हैं तो ये जो है ना, ये पॉइंट जो ये दिख रहा है मार्कर का पॉइंट, यहाँ पे तीन ऐसे बने होते हैं। देखिए जो हमारा हाथ है, देखिए ये सेम पतला सा होता है और ये तीन ऐसे चिपके हुए होते हैं। जब इसको घुमाते हैं तो ये खुल जाते हैं, ऐसे खुलते हैं तो इसमें जॉब को क्लैम करते हैं, ऐसे इसमें जॉब रखते हैं पतला सा पिन की तरह, और फिर इसको घुमाते हैं तो इसमें ये पूरा चिपक जाता है, यानी ऐसे ये जो है ना, ये आगे का पॉइंट, देखिए ये तीन हिस्सा जो हो गया, एक दो और ये तीन हिस्सा, ऐसे ही ये पिन वाइस में किसी भी जॉब को होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। पिन वाइस के नाम से ही पता चलता है कि इसमें बहुत ही छोटे छोटे बारीकी काम होते हैं, पिन की तरह के जॉब पकड़े जाते हैं, और इसका प्रयोग ज्यादातर महीन काम यानी घड़ी साज या कह लीजिए सोनार भी जो होते हैं, जो गहने का काम करते हैं, वो भी इसका यूज करते हैं। और जो छोटे छोटे घड़ी के पार्ट्स बनते हैं
वो पार्ट्स भी ये पिन वाइस में ही पकड़े जाते हैं और उनके द्वारा काम किया जाता है। फिर बात करते हैं हैंड वाइस की, तो हैंड वाइस जो होता है हम आपको दिखाएंगे, ये पिक्चर के माध्यम से इसमें आपको दिखेगा ये हैंड वाइस। तो इसमें होता है कि यह हाथ में पकड़ करके और इसका प्रयोग करते हैं हैंड वाइस का। हैंड वाइस के भी जो जा होते हैं वैसे इसमें एक विंग नट लगा होता है, विंग नट को घुमाते हैं तो ये वाइस खुलता है। आपको अच्छे से समझ में आएगा जब आप प्रत्येक वाइस के फिगर को भी देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए हम बात कर रहे थे हैंड वाइस की, तो हैंड वाइस जो होता है यह भी नॉर्मल वाइस की तरह होता है, लेकिन इसमें जो है हैंडल के स्थान पर एक विंग नट को फ्लाई नट भी कहते हैं ये लगे होते हैं, तथा इसके दोनों लेग के बीच में फ्लैट स्प्रिंग होता है और स्प्रिंग की सहायता से ही ये फ्लाई नट को रोटेट किया जाता है, घुमाया जाता है। और इसमें होता है कि इस वाइस का माप रिवेट के मध्य से और जा की जो बाहरी सिरे होती हैं उससे लिया जाता है इसके साइज, और यह वाइस को हाथ से पकड़कर प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका नाम ही है हैंड वाइस, तो हैंड वाइस का प्रयोग हाथ में पकड़ करके किया जाता है। और इसका उपकरण मतलब ये जो है वाइस का प्रयोग फिटर शॉप में चाबी घाट बनाना, ताला, चाबी आदि छोटे छोटे कामों में इसका प्रयोग करते हैं, हाथ में पकड़ करके इस वाइस का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसका नाम ही है हैंड वाइस। तो कह सकते हैं कि इसका प्रयोग छोटे छोटे जॉब को पकड़ करके क्लैंप करके कार्य किया जाता है। और यह जो है प्रायः एमएस मेटल, माइल्ड स्टील या रॉट आयरन के भी बने होते हैं, यानी ढलवा लोहे के भी बने होते हैं और एमएस मेटल के मृदु इस्पात के भी बने होते हैं। फिर बात करते हैं हम पिन वाइस, हमने पढ़ा अभी पिन वाइस पढ़ लिया, फिर एक होता है पाइप वाइस। तो पाइप वाइस जो है, पाइप वाइस नाम से ही पता चलता है कि इसमें किसी भी गोल रॉड, सरिया या पाइप को क्लैंप करते हैं और उसके द्वारा पाइप को काटते हैं, या पाइप के ऊपर उसको काट के दो हिस्सों में भी बांट सकते हैं, या उसके ऊपर डाई के द्वारा चूड़ी भी काट सकते हैं और एक पाइप को दूसरे पाइप के साथ अटैच भी कर सकते हैं पाइप के साथ। मतलब पाइप फिटिंग में पाइप वाइस का प्रयोग ज्यादा होता है और ये पाइप वाइस में पाइप को पकड़ा जाता है और पाइप पे विभिन्न कार्य किया जाता है पाइप वाइस के द्वारा। इसमें जो होता है इस वाइस के जबड़े जो होते हैं, इसके जो जा होते हैं वह वी शेप में होते हैं और इन जबड़ों पे दांते बने होते हैं। तो ये बात कर रहे थे हम पाइप वाइस की, पाइप वाइस जो होता है वी शेप के जबड़े के आकार का बना होता है और इनके जबड़े पे दांते कटे होते हैं। इसका साइज पाइप की मोटाई से लिया जाता है, पाइप वाइस का जो साइज होता है वह पाइप की मोटाई से पाइप वाइस का साइज लिया जाता है, तथा पाइप वाइस का जो जॉब होता है चार पॉइंट्स को पकड़ता है, मतलब ये चारों तरफ से पकड़ता है। और फिर बात करते हैं हम स्पेशल वाइसेस के, जो बात कर रहे थे कि स्पेशल वाइस भी कुछ होते हैं, तो स्पेशल वाइस में आता है पहले एक होता है न्यूमेटिक वाइस, यानी जो एयर से चलता है, हवा से न्यूमेटिक, और एक होता है हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक जो है वह फ्यूल से चलता है, लिक्विड से, मतलब न्यूमेटिक वाइस भी होता है, हाइड्रोलिक वाइस भी होता है और टूल मेकर वाइस भी होता है, जिसे टूल मेकर क्लैंप भी कहते हैं। तो यह भी साधारण वाइस की तरह ही, मतलब वाइस की तरह ही होता है, और जो साधारण फिनिश किए हुए जॉब को पकड़कर उन पर मार्किंग, ड्रिलिंग, वेल्डिंग आदि किया जाता है, टूल मेकर वाइस होता है। उसके बाद एक होता है क्लैंप, इसमें आता है सी क्लैंप, यह अंग्रेजी के सी आकार का होता है, यह बिल्कुल वाइस की तरह ही होता है। सी क्लैंप में भी जॉब को क्लैंप किया जाता है, आप ड्राइंग में इसका पिक्चर देखेंगे, फिगर, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा सी क्लैंप। और यह अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार का होता है, इसका प्रयोग टेपर या टेढ़ी मेढ़ी जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है, और इसकी बॉडी कास्ट आयरन की बनी होती है। सी क्लैंप जो होती है उसकी बॉडी कास्ट आयरन की बनी होती है, तथा इसका साइज जो होता है, इसके जो जा खुलते हैं, जितने जा इसके खुलेंगे वही इसका साइज होता है,
अब बात करते हैं कुछ नोट पॉइंट है वाइस के लिए। तो इसमें आता है कि जॉब को वाइस से कुछ ऊपर बांधना चाहिए। जब भी हम ये जो पॉइंट है ये बेंच वाइस की बात किया जाए, ऐसे नॉर्मली हर वाइस के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि ये नोट पॉइंट है। पहला जो है इसमें है कि किसी भी जो जॉब है, जॉब को वाइस में क्लैंप करते समय यह वाइस के जबड़े जो होते हैं उनसे ऊपर, यानी जॉब को वाइस में क्लैंप करते समय थोड़ा ऊपर बांधना चाहिए। ज्यादा ऊपर भी नहीं बांधना चाहिए, ज्यादा नीचे भी नहीं। ज्यादा ऊपर बांधेंगे तो आवाज आती है और नीचे बांधेंगे तो इसका जबड़ा भी घिसेगा, और जिस मटेरियल से हम काम करते हैं मतलब जिस टूल से काम करते हैं तो वो टूल पे भी असर आता है। फिर है कि जॉब को जबड़े के सेंटर में बांधना चाहिए। वाइस के जो जबड़े होते हैं उस जबड़े के सेंटर में किसी भी जॉब को होल्ड किया जाता है, बांधा जाता है, ताकि जॉब अच्छा तैयार हो और वाइस भी बिल्कुल अच्छा रहे। फिर साधारण कार्यों के लिए वाइस की ऊंचाई बेंच पर 3.5 फुट, जैसा हमने बताया था कि बेंच वाइस जो होता है वह 3.5 फीट के ऊपर में होता है, और जब भी कारीगर काम करता है तो अपने ही केवनी जो होता है केवनी से ऐसे मिला करके मैच करके, और वाइस का साइज और कारीगर के साइज पे डिपेंड करता है। और जो है वाइस को स्क्रू के ऊपर स्क्वायर हेड कटी होती है। जो वाइस होता है इसमें एक जो स्क्रू लगाता है उसमें स्क्वायर हेड कटी होती है। तो दोस्तों आज हमने वाइस के प्रकार के बारे में पढ़ा। पिछले क्लास में हमने वाइस और वाइस के प्रकार में उसके नाम पढ़े हुए थे, लेकिन आज डिटेल्स में हमने जाना कि वाइस के प्रकार में बेंच वाइस, लेग वाइस, पाइप वाइस, मशीन वाइस, पिन वाइस, इन सब वाइसों के बारे में हमने पढ़ा। टूल मेकर वाइस, न्यूमेटिक वाइस, हाइड्रोलिक वाइस, ये सब वाइस के प्रकार में आते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अन्य सारे टूल्स और इक्विपमेंट्स की जानकारी हम आपको देंगे। और एक बात मैं बता दूं दोस्तों कि यदि आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं या जीके की तैयारी भी करते हैं तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देखें, जीके स्पेशल भी वीडियोज हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।